हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास सिक्सथ सेवन्थ और एट्थ की वर्कशीट नंबर एटी सिक्स यानी कार्यपत्रक संख्या छियासी को आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी मज़ेदार रहने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग है आज की वर्कशीट का थीम है से नो टू क्रैकर्स दीपावली आने वाली है और दीपावली मतलब क्रैकर्स लेकिन क्रैकर्स को हम जब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं दूसरा जब हम नवंबर में यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारा पॉल्यूशन हो जाता है अब नवंबर का इससे क्या लेना देना क्योंकि नवंबर में हवा नहीं चलती और उसके कारण वो धुआं एक ही जगह जमा रहता है और उसके कारण वो पॉल्यूशन की बड़ी समस्या बन जाता है तो हम कैसे इको फ्रेंडली दीपावली सेलिब्रेट कर सकते हैं वो हम आज की वर्कशीट में डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे ये हमारी वर्कशीट नंबर एटी है एंड आ क्लास स इज द कॉमन वर्कशीट फॉर सिक्स सेवेंथ एंड एट्थ क्लास डेट सेवंथ ऑफ नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी आर थीम इज से नो टू क्रैकर्स हमें काफी सारे टास्क दिए गए जो दीपावली से रिलेटेड है पहला जो टास्क दिया गया हियर आर सम थिंग्स यू सी ऑन दीपावली यहां पर काफी सारी चीजें हैं जो दीपावली से जुड़ी हुई है आइडेंटिफाई दम इनको हमें आइडेंटिफाई करना है एंड राइट दियर नेम्स बाय्रेम्बलिंग द वर्ड्स गिवन द बॉक्स हमें जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको हमें अनस्क्रैम्बलिंग करना है हमें अनजम्बल्ड करना है और राइट right वर्ड को राइट करना है ओके तो पहली जो पिक्चर है हालांकि मैंने इनके आंसर नीचे राइट right भी किए तो नीड नोट टू वरी यहां पे हम केवल डिस्कस करें पहली पिक्चर में हमें दिखाई दे रही स्वीट्स तो इसका क्या बनेगा स्वीट एस डब्ल्यू डबल ई टी ये क्या दिखाई दे रहे हैं आपको दिया डी आई वाई ए दिया बनेगा ये बनेगा क्रेक कार सी आर ए सी के आर क्रेक कार दिस इज लाइट एल आई जी एच टी लाइट है और ये हमें दिखाई दे रही है कैंडल सी एंड डी एल ई तो ये हमारा पहला टास्क कम्प्लीट हुआ अब हम सेकेंड टास्क की बात करते हैं सेकेंड टास्क बी एंड सी जो दिया गया ये एक ही टास्क है हमें क्या करना है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स हमें इन सेंटेंसेज को कम्प्लीट करना और किस यूज करके ये जो हमें बॉक्स में दिए गए तो इसके आंसर भी मैंने नीचे राइट भी किए तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि मैं यहां पर राइट नहीं कर रहा कराऊं यहां पे हम केवल डिस्कस करें तो फर्स्ट हमारा दिया गया आई लाइक टू ईट ये स्वीट्स दी गए तो यहां पे क्या आएगा यहां पे रहेगा स्वीट आई डेकोरेट माय हाउस विद डे एंड डे कैंडल एंड लाइट्स यहां पे लाइट रहेगा आई वर्शिप ऑन दिस फेस्टिवल आई वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिस फेस्टिवल एंड आई हेल्प द पुअर शो दैट दे केन ऑल्सो इंजॉय दिस फेस्टिवल तो ये रहेंगे हमारे आंसर यहाँ पे दोबारा से मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट जो है आई लाइक टू ईट स्वीट फर्स्ट में हमारा स्वीट रहेगा नंबर वन नंबर टू में आई लाइक टू डेकोरेट माई हाउस विथ कैंडल्स नंबर टू में रहेगा नंबर थ्री में लाइट्स रहेगा आई वर्शिप गोडेस लक्ष्मी ऑन दिस फेस्टिवल ये नंबर फोर में रहेगा एंड आई हेल्प द पुअर

काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है इन्वायरमेंट को भी फायर क्रेकर्स कोज एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन फायर क्रेकर्स के कारण कौन सा पॉल्यूशन होता है एयर पॉल्यूशन भी होता है और नॉइस यानी ध्वनि पॉल्यूशन भी होता है वी नो दैट डेली इज़ फेसिंग ए बिग चैलेंज ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड इट बिकम्स स्वेयर ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर एवरी ईयर डेली में पॉल्यूशन एक बड़ा चैलेंज है और अक्टूबर नवंबर में तो एक बड़ा चैलेंज और बड़ा हो जाता है क्योंकि उस वक्त हवा नहीं चलती लेट्स से नो टू क्रैकर चलिए हम इस बार हम पटाखे नहीं जलाएंगे तो हमारा पहला जो सेंटेंस है इसमें हमें क्या यूज करना है फायर क्रेकर्स कन्गोल डेस एंड डेज पॉल्यूशन कैसा पॉल्यूशन कर सकते हैं यहाँ पे एयर आएगा और यहाँ पर आएगा नॉइस पॉल्यूशन यहाँ से लिया गया ओके एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन सेकेंड जो है द क्वालिटी ऑफ एयर इन डेली इज डेस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर क्या हो जाती है स्वेयर तो ये वर्ड आएगा स्वेयर बन जाती है क्रिटिकल बन जाती है तो इसके आंसर भी मैंने नीचे दिए हैं वहाँ से नोट कर सकते हो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है तो चलिए हम फोर्थ को सोल्व करते हैं उससे पहले आप आंसर चेक कर सकते हो ये आपका टास्क ए के आंसर है देन दिस इज द टास्क बी एंड सी के आंसर है एंड दिस इज द आंसर ऑफ टास्क डी अब हम टास्क ई e की तरफ चलते हैं फोर्थ जो हमारा टास्क है हाउ यू विल मोटिवेट योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स फॉर नोट टू यूज फायर क्रैकर्स ऑन दिस दीपावली किस दीपावली पर आप अपने फ्रेंड्स को अपने फैमिली मेम्बर्स को कैसे मोटिवेट करोगे कि वो क्रैकर्स ना यूज़ करें तो चलिए मैंने आपकी तरफ से आंसर लिखा है आई विल ट्राई टू कन्विंस दम दैट दीपावली मीन्स फेस्टिवल ऑफ़ लाइट्स एंड हैप्पीनेस कि मैं उनको मनाने की कोशिश करूँगा कि दीपावली का मतलब है खुशियों का त्यौहार और किसका त्यौहार लाइट्स का त्यौहार इट कैन बी सेलिब्रेटेड विदाउट क्रैकर्स टू और इसको हम बिना पटाखों के भी मना सकते हैं वी कैन सेलिब्रेट इको फ्रेंडली दीपावली by मेकिंग रंगोली लाइटनिंग हेल्पिंग the poor पीपल etc कि हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं रंगोली बना सकते हैं लाइट्स जला सकते हैं दिया को यूज कर सकते हैं हम गरीबों की हेल्प कर सकते हैं सो so, ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट जिसमें हमने डिस्कस किया दीपावली के बारे में हमने डिस्कस किया इको फ्रेंडली दीपावली के बारे में उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी आप घर पर होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे ऐसे ही पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ बने रहिए आपकी क्लास की सभी वर्कशीट एक दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है हमारे साथ बने रहिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ एक छोटा सा कमेंट भी थैंक यू बाय बाय ए नाइस डे